डिफरेंट ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये मोस्टली मैंने शिफ्टें दी हुई हैं मुख्तलिफ, मतलब उनके जो है गेट्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें। पहले हम करते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इम्पोर्टेंट बैराजेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैंने एक मतलब एक क्या दिया हुआ है, इंडस के नीचे जो पहला आता है जिसको हम बेला डैम या उसको बैराज भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अंदर, नंबर टू पे उसके अंदर है कि हम बात कर रहे हैं, नंबर टू पे है जिना है, नंबर थ्री पे हमारे पास चश्मा है, नंबर फोर पे कौन सा है और नंबर फाइव कौन सा है, गुड्डू बैराज है। तो ये थे इंडस रिवर्स के ऊपर बैराज। नंबर टू पे हमारे पास है जेहलम, जेहलम के ऊपर नंबर वन पे हमारे पास है मंगला बैराज, नंबर टू पे है रसूल बैराज, और जो चनाब और जेहलम को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तेरीमू बैराज कहते हैं। तेरीमू बैराज के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास तेरीमू बैराज है, ये हमारे पास कौन सा है, तेरीमू बैराज, ये वाला तेरीमू बैराज जो इन दोनों को आपस में क्या करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं चनाब एंड जेहलम को, इसको हम तेरीमू बैराज कहते हैं। आगे हमारे पास है चनाब के कौन कौन से बैराज है, चनाब के ऊपर नंबर वन पे हमारे पास मैराला बैराज है, नंबर टू पे हमारे पास कादराबाद बैराज है, ये ऊपर है चनाब रिवर के ऊपर है, और जो इन तीनों चनाब जेहलम और रावी को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिधनाई बैराज कहता है, जहाँ पे ये तीनों दरिया आपस में मिल जाते हैं उस बैराज को हम क्या कहते हैं, सिधनाई बैराज कहते हैं, और रावी के ऊपर कोई बैराज नहीं है। उसके आगे हमारे पास है ब्यास है, ब्यास के आगे हमारे पास सतलुज है। तो ये जो वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मैंने शो की हुई, ये बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। तो यहाँ ब्यास जो है, ये ब्यास और सतलुज जो है, ये पाकिस्तान में एंट्री होने से पहले ही एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, बैराज को क्या कहते हैं, हैरेकी बैराज कहते हैं उस बैराज को। आगे है हमारे पास नंबर टू पे है, ये पाकिस्तान में एंटर होने से, पाकिस्तान में जब सतलुज एंटर होता है सबसे पहले जो बैराज है उसको हम सुलेमान की हेड सुलेमान की या सुलेमान की बैराज कहते हैं। तो आगे हेड सुलेमान के आगे जो सतलुज के ऊपर बैराज है उसको हम इस्लाम बैराज कहते हैं, और ये पांचों दरिया जिसको हम हेड पांच नद कहते हैं, तो ये पांचों दरिया आपस में मिल जाते हैं, और वो पांच कौन कौन से दरिया है जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं, तो ये पांच नंबर वन पे जेहलम है, नंबर टू पे चनाब है, नंबर थ्री पे रावी है, नंबर फोर पे ब्यास है, और नंबर फाइव पे सतलुज है, इसलिए इसको हम पांच नद कहते हैं, मतलब पांच दरियाओं की जगह। तो ये क्या है, हेड पांच नद इसको कहते हैं, जो कि बहावलपुर और ये मुजफ्फरगढ़ के साथ अलीपुर के साथ है हेड पांच नद। तो यहाँ पे क्या होता है, पांच दरिया मिल जाते हैं, और एंड पे पाकिस्तान का जो रिवर इंडस के ऊपर है गुड्डू बैराज, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सखर बैराज और सबसे पुराना बैराज भी है। तो ये वाले बैराज के आगे हम इनकी डिस्कशंस को आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये मैंने एक फ्लो चार्ट की सूरत में, ताकि आपको पता चल सके कि इंडस के ऊपर कौन कौन से बैराज हैं, जेहलम के ऊपर कौन कौन से बैराज हैं, चनाब के ऊपर कौन कौन से बैराज हैं, रावी ब्यास एंड सतलुज के ऊपर कौन कौन से बैराज हैं, उनको मैंने सिक्वेंस वाइज यहाँ पे एक मतलब एरो टाइप और आगे उनके मैंने उनको डिस्कस किया। आगे हम इनकी डिटेल में डिस्कशंस करते हैं, डिटेल में डिस्कशंस। तो चले ना, सबसे पहले हम बैराज की डेफिनेशंस करते हैं। एन आर्टिफिशियल अक्रॉस बैरियर, एन आर्टिफिशियल बैरियर मतलब ये आर्टिफिशियल बैरियर होता है अक्रॉस ए रिवर और एस्चुरी, मतलब एस्चुरी उसकी एक रिवर की मतलब जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं या उसके ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। टू प्रिवेंट फ्लड, मतलब जो फ्लड को कंट्रोल करती है, एड इरीगेशन और नेविगेशन, मतलब इरीगेशन के लिए इसका पर्पज क्या होता है, इरीगेशन हो सकता है या नेविगेशन, आर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई टाइडल पावर, मतलब टाइडल पावर मतलब ये होता है कि लहरों से या वाटर पावर के अंदर, वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है उनकी वजह से उनको, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी की जाती है उनको हम टाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
तो ये इसकी डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे ए बैरियर इज अ टाइप ऑफ लो हेड, मतलब लो हेड की तरफ ये होता है, मतलब जहां से इसकी ओरिजिन होती है आगे, जहां पे ये लो मतलब इनका जो ये देखना मेन सी लेवल, जैसे जैसे आप इस नदरन हेमिस्फेयर की नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो आपका क्या होता है हाई हेड की तरफ आप निकलते जाते हैं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट होता है, क्योंकि दरियाओं का जो ओरिजिन पॉइंट है वो मेन सी लेवल से हाइट के ऊपर है, इसलिए उन्होंने लो लेड का लफज इस्तेमाल। डाइवर्जेंट डैम विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लार्ज गेट्स, मतलब वहां पे गेट्स वगैरह लगाए जाते हैं, दैट कैन बी ओपन आर क्लोज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू इट, मतलब जो गेटों का पर्पज होता है वो कंट्रोल या पानी को जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है, ट्रिब्यूटरी के या एस्टुरी के अंदर कैपेसिटी होती है, उतना पानी उसके अंदर क्या होता है पास करने के लिए गेट्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये है बैराज की डेफिनेशंस। आगे हमारे पास नंबर वन पे हमारे पास जो बैराज हमने दिया हुआ है वो है जिन्हा बैराज। जिन्हा बैराज क्या है, ये रिवर इंडस के ऊपर है और नियर काला बाग के मकाम के नजदीक है। यहाँ वहां से एक थल प्रोजेक्ट मतलब एक थल नहर निकाली गई है जो कि 7,70,000 हेक्टर्स को सैराब करती है, और वो किन इलाके को सैराब करती है, सिंध सागर दुआब, मतलब इंडस और जेहलम का जो दरमियानी इलाका है इसको हम सिंध सागर दो आप कहते हैं। इन दो इनको ये कब ओपन हुआ, 1946। इसकी हाइट कितनी, 8.5 मीटर है। लोकेशंस क्या है इसकी, काला बाग मियांवाली डिस्ट्रिक्ट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी इतनी है 96 मेगावाट है। स्टेटस इसका क्या है, ऑपरेशनल है। टर्बाइन क्या है, 8 × 12 MW मेगावाट पिट टर्बाइन लगाई गई है। एनुअल जनरेशन कितनी है, 688 है इसकी एनुअल जनरेशंस। आगे हमारे पास चश्मा बैराज। तो चश्मा बैराज कब ओपन किया गया था, 1971 के अंदर चश्मा बैराज ओपन किया गया था। इसकी हाइट कितनी है, 11 मीटर इसकी हाइट है। इसकी लोकेशंस क्या है, चश्मा मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशंस है। कॉस्ट इसकी कितनी है, 399 मिलियन, मतलब 399 मिलियन इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी कितनी है, 183 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। स्टेटस इसका ऑपरेशनल है। पर्पस इसका क्या है, इरिगेशन या पावर, मतलब इरिगेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आगे हमारे पास तोनसा बैराज। बैराज की लोकेशन क्या है, ये कौन सा बैराज रोड मुजफ्फरगढ़ पंजाब के अंदर मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान के अंदर आ जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, 4340 फीट, और फिर 1958। इसका कोऑर्डिनेट के लिहाज से इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ऊपर वाला जो एड्रेस दिया गया है वो एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट लोकेशन है। 30 डिग्री 30 मिनट एंड 46 सेकंड नॉर्थ टू 70 सॉरी 73 50 मिनट एंड 57 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर पाया जाता है। तो ये नदरन हेमिस्फेयर के अंदर है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। आगे हमारे बैराज ये क्या है, गुड्डू बैराज जो है इसे इंडस रिवर के ऊपर है, कश्मीर मतलब सिंध के अंदर चला जाता है। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड्डू बैराज, मतलब सिकंदर मिर्जा जो था पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट और आखिरी जो गवर्नर जनरल कौन था, सिकंदर मिर्जा था। उसने 2 फरवरी 1957 के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी। कंप्लीट कब हुआ था, 1962 के अंदर। कॉस्ट इसके ऊपर कितनी लगाई गई थी, 474 मिलियन इसके ऊपर कॉस्ट लगी थी। और इसका इफ्तिताह किसने किया था, फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1962 के अंदर, अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया था। आ गया हमारे पास रसूल बैराज। रसूल बैराज जो है ये रिवर जेहलम के ऊपर है, जेहलम डिस्ट्रिक्ट एंड मंडी बहाउद्दीन के दरमियान में है और ये पंजाब प्रोविंस के अंदर आ जाता है। 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ मंगला डैम, मतलब डाउन स्ट्रीम मंगला डैम की तरफ है। ओपन कब हुआ था, 1968, और अबव सी लेवल इसकी हाइट कितनी है, 250 मीटर ये अबव सी लेवल है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। और उससे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम इस अगली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकें।
ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।